नमस्कार दोस्तों, देखिए अपन आज 54 स्लॉट में 700 आरपीएम कैसे कॉइल बैठाना है वो देखेंगे। ये देखिए इंडक्शन मोटर में ज़्यादा बल्कि एकदम लो आरपीएम मोटर, एक कूलिंग टावर का मोटर इसी तरह मोटर में आता है, इसमें 54 स्लॉट कभी कभी आ जाता है, तो अपन उसको कॉइल कैसा बैठाना है अपने को समझ में नहीं आएगा, तो उसको ध्यान से अपन जब कॉइल निकालने के टाइम उसको ध्यान से निकाल ही देगा तो हमको सेम वैसे अपन कर सकते हैं। अगर वो टाइम में अपन ध्यान नहीं दिया रहेगा तो अपना ध्यान से उतर जाएगा वो, तो वो गलत हो सकता है, इसलिए अपन उसको क्या करना है इसी तरह बनाना है। देखिए अभी इसमें मैं क्या किया हूँ, डॉटेड 24 कॉइल बनाया है, तो उसमें 18 कॉइल जो है दो के सेट बनाया है और 6 कॉइल तीन के सेट बनाया है। तो मैं इसमें कैसे कर रहा हूँ, मैं 9 कॉइल दो का सेट बढ़ा रहा हूँ। देखिए ये दो ये तीन, इसी तरह अपन 9 कॉइल बैठा रहा है। ये 9 कॉइल बैठाए होने के बाद में कंटिन्यू ये 9 कॉइल जो है दो का सेट कंटिन्यू बैठाया है और इसके बाद में तीन कॉइल जो है तीन का सेट वो भी कंटिन्यू तीन कॉइल बैठाना है। देखिए ये एक कॉइल बैठ गया तीन का सेट, इसी तरह और दो कॉइल भी इसके नज़दीक नज़दीक में बैठेगा कंटिन्यू। इसके बाद में और ये पिच जो है इसका 6 पिच रहेगा, क्योंकि आरपीएम के हिसाब से इसको ज़्यादा पिच बड़ा भी नहीं रख सकता है और ज़्यादा कम भी नहीं कर सकता है। तो देखिए अभी देखिए इस तरह ये अभी 9 कॉइल दो का सेट बैठाने में तीन कॉइल जो है तीन का सेट बैठा है। इसी तरह सेम फिर से 9 कॉइल दो का सेट बैठाना है, उसके बाद में तीन कॉइल तीन का सेट बैठाना है, तो इसी तरह हो जाएगा 9 × 9 18 कॉइल हो जाएगा और ये 3 × 2 और वो 3 × 3 6 कॉइल हो जाएगा, 6 × 18 24 कॉइल हो गया है। इसी तरह ये कॉइल अपन डाल के इसको वाइंडिंग कर सकता है, तो इसका जो पूरा कॉइल सर्किट अपना कंप्लीट हो सकता है। और सेम इसी तरह और भी एक वाइंडिंग है, एक डिज़ाइन बना के रखा हूँ, तो वो भी ये वीडियो में आप कंटिन्यू देखिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा, तो उसको मैं सेम इतने ही है 18 कॉइल और वो 6 कॉइल मतलब टोटल 24 कॉइल ही बनाना है, वो भी सेम पिच ही रहेगा, 6 पिच का ही है, सिर्फ कॉइल डालने का जो तरीका है वो थोड़ा बदला के डाला हूँ, वो भी अब देख लीजिए। उसके पहले देखिए अभी ये कॉइल देखिए मैं कैसा भर रहा हूँ, 9 कॉइल डबल का, इसके बाद तीन कॉइल तीन का सेट, फिर से 9 कॉइल दो का सेट है, फिर से तीन कॉइल तीन का सेट है, इसी तरह 24 कॉइल कम्प्लीट हो चुका है इसमें। देखिए आपने वीडियो पूरा देखिए और आप लोग का कुछ डाउट रहेगा कमेंट में बताइए, और आप हमारा चैनल में नया रहेगा तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, और हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और आपको दोस्त लोग से भी शेयर कर लेना। और हमारे वीडियो में इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो दिया है, वो भी आप देखना चाहेंगे तो अब लिंक रहेगा अंदर, तो आप अंदर जाके देख सकते हैं वीडियो के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए अभी हो गया है इसी तरह कंप्लीट हो गया है, हो गया 24 कॉइल कंप्लीट हो गया। देखिए देखो दोस्तों, देखिए ये जो है 54 स्लॉट है 700 आरपीएम में और तीन का सेट जो है तीन कॉइल का सेट है वो 6 कॉइल रहेगा,
और दो कॉइल का सेट जो रहेगा वो 18 कॉइल रहेगा, टोटल मिला के 24 कॉइल रहेगा। और वीडियो भी कंटिन्यू रही है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो है सेम वाइंडिंग और एक तरीके में बनाना है, कैसा है वो भी बताया है, तो वो भी देखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, देखिए हमारा वीडियो कैसा है। देखिए एक ये इसी तरह अभी अपन उसमें कितना कॉइल किया था, 9 कॉइल, 2 कैसेट डालने के बाद में अपन तीन कैसेट डाला। इसमें ऐसा नहीं है, 3 कॉइल 2 कैसेट अपन डालेंगे, उसके बाद में 1 कॉइल 3 कैसेट डालेंगे। देखिए इसमें 3 कॉइल अपन 2 कैसेट डाला है, इसके बाद में देखिए ये 3 कैसेट में 1 कॉइल, देखिए हो गया है इसी तरह। इसके बाद में नेक्स्ट फिर से 3 कॉइल 2 कैसेट रहेगा, इसी तरह भी अपन कर सकता है। ये भी सेम तरीका है, लेकिन ये अपने का और भी आसानी है, लेकिन इतना है अपन कॉइल बारने के टाइम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपन कितना कॉइल 2 का डाला है, इसके बाद में 3 का कितना डाला है, वो अपने को ध्यान रखना जरूरी है। कभी ध्यान नहीं देंगे अपन 3 2 का सेट 3 डालने की जगह भी 4-5 डाल देंगे, उसके बाद में 3 का कॉइल डालेंगे, वो आपको कनेक्शन में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए यही ध्यान देना जरूरी है। तो आपको अभी 3 2 का सेट 3 डालना है तो 3 ही डालना है, उसके बाद में सिंगल मतलब 3 का सेट 1 सिंगल कॉइल डालना है, उसके बाद में 2 का सेट 3 डालना है, उसके बाद में सिंगल 3 का सेट में 1 कॉइल डालना है। इसी तरह आपको पूरा कॉइल डालेंगे तो इसका जो कनेक्शन जो है वो आपको बराबर आएगा, तो आपका काम ये जो है वो सक्सेस होएगा। और आपके काम अच्छे से होने के लिए बहुत बहुत मेरा सपोर्ट रहेगा आपको। और कुछ आपको डाउट रहेगा या कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मेरा कोई आपके जैसे ही मेरा कोई दोस्त मेरे को पूछा है इसी तरह वाइंडिंग का डिटेल देने के लिए, मैं ये लेकिन थोड़ा लेट हो चुका हूँ, थोड़ा कुछ काम से मैं फंस गया था तो मेरे को समय नहीं मिला। अभी बहुत दिन के बाद में मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, तो दोस्त आपको मेरा ये वीडियो काम आएगा तो ज़रूर मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करना, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरा वीडियो आपको काम आया क्या नहीं है। चलो थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और इसमें आपको समझ में आएगा, और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरे को भी अच्छा रहेगा, मेरा मैं भी इतना मेरा मेहनत का कोई इस्तेमाल किया है वो मेरे को अच्छा है, लेकिन आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा कुछ अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच।